खबरों की ओर। सीएम योगी का तमिलनाडु दौरा, तमिलनाडु में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम पलमकुलम में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विरुधुनगर में सीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रामेश्वर में सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी ने दिए निर्देश। प्रदेश में क्लास 1 से 8 तक सभी स्कूल बंद करने के दिए निर्देश। निजी और सरकारी स्कूल 4 अप्रैल तक पहुंचेंगे, खुलेंगे, रहेंगे बंद। बाकी कक्षाओं में होगा कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में एक्टिव केस हुए दोगुने से भी ज्यादा। 24 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 4388 थी। 30 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9195 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 918 कोरोना के नए मरीज मिले। एक दिन में प्रदेश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 446 कोरोना का नए मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में सर्वाधिक 49, कानपुर नगर में 35, प्रयागराज में 36 और वाराणसी में 28 कोरोना के नए केस मिले हैं। कानपुर में राजकीय बालिका संरक्षण गृह की 13 किशोरियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कानपुर सीएमओ ने निरीक्षण कर विशेष आदेश जारी किए। सीएमओ ने दवाओं के साथ ही खानपान की सूचित व्यवस्था के आदेश दिए। स्वास्थ्य निरीक्षण के बाद बालिका गृह में महिला डॉक्टर टीम नियुक्त कर दी गई है। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने पूर्व सपा सरकार पर लगाया आरोप। शैलेंद्र सिंह ने कहा, सपा सरकार में मुख्तार अंसारी को बचाया गया। मुख्तार अंसारी पर पोस्टर लगाने से नाराज हो गई थी सपा सरकार। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा, तत्कालीन सरकार ने मेरे ऊपर केस खत्म करने का दबाव बनाया। नहीं मानने पर डिप्टी एसपी के पद से देना पड़ा इस्तीफा। पूर्व शैलेंद्र सिंह ने कहा, राजनीति से प्रेरित होकर मेरे खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया। योगी सरकार बनने पर फर्जी केस को वापस दिया गया। आगरा में 3 युवकों ने पति के सामने महिला से गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। गैंगरेप के बाद युवकों ने पीड़िता के साथ लूट की। पुलिस ने 2 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में बदमाशों ने घर के बाहर बैठे युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। शक के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में विवाद समझौता करवाना बीजेपी नेता को पड़ा भारी। दबंग निशु अवस्थी ने बीजेपी नेता पर हमला किया। आधा दर्जन लोगों के साथ घर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। थाने जाने पर बीजेपी नेता की कार पर दबंगों ने पथराव किया। दबंगों के हमले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पनकी थाना इलाके का मामला। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके में बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया है। गले और पेट पर चाकू के हमले से युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए घायल युवक को दिल्ली रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवकों पर धारदार हथियार से हमला करते हुए पथराव कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों के साथ ही दबंगों ने मारपीट की। मारपीट में महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार पुलिस के पास न्याय के लिए पहुंचा। पुलिस ने मामले में नहीं की कोई सुनवाई। उन्नाव के अजगैन थाना इलाके में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर कार और बाइक से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल।
मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। श्रावस्ती में करंट की चपेट में आकर छात्र की हुई मौत। दोस्तों संग किराए पर कमरा लेकर रहता था छात्र। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के चिनट थाना इलाके में बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवा चलने के कारण आधा दर्जन दुकानों में आग लगी। आग में जमकर दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली में 2 अलग अलग इलाकों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। रायबरेली में सदर तहसील में आधा दर्जन घरों में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद के लाइनपर थाना इलाके में कांच के कारखाने में आग लगी। पैकिंग के डिब्बे में अचानक आग लगने से हुआ हादसा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैनपुर के बेवट थाना इलाके में 2 घरों में भीषण आग लगी। दोनों घरों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बहराइच के मठेरा थाना इलाके में जहरीला फल खाने से 6 बच्चे बीमार हो गए। गंभीर हालत में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरुखाबाद के कायमगंज में दबंगई और पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर चाकूबाजी हुई। घायलों के इलाज के दौरान सीएचसी में मेडिकल कराने गए दूसरे पक्ष के पिता और बेटे को घेर कर लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी गई। इस दौरान पुलिस अस्पताल में मौजूद थी। इस पर पीट रहे पिता बेटे को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। बाद में पुलिस एक हमलावर को गिरफ्तार किया। बस्ती के कोतवाली थाना इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद। दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा। दबंगों की गुंडे सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराजगंज के फरीदा थाना इलाके में पत्नी से विवाद होने पर पति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक को टावर से उतारने में जुटी। शामली में एसपी आवास के निकट पुलिसकर्मी ने यमुना नहर में डूब रहे युवक की जान बचाई। कांस्टेबल ने डूबते युवक नहर में छलांग लगाई। शामली सिपाही का मामला। युवक का बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसपी ने कहा कि सिपाही की सराहनीय कार्य पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। शामली के कराना के रहने वाले 2 फुट 6 इंच के अजीम मंसूरी को आखिरकार दिल्ली की एक लड़की ने शादी करने का प्रस्ताव रखा। लड़की के शादी के प्रस्ताव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कुछ पाबंदियां लागू की गई। गाइडलाइन 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगी। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरे राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। हरिद्वार के गीताकुटी आश्रम में कोरोना के 20 मरीज मिले हैं। प्रशासन ने गीताकुटी आश्रम को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। 4 अप्रैल को कुंभ मेले में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई निकाली जाएगी। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े की पेशवाई मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। लालकुआ में एसएसपी लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए जनता के साथ मधुरता व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपराधों पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने के सख्त आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोतवाली और चौकी क्षेत्र में आने वाले फरियादियों के साथ पुलिस नम्रता से व्यवहार करे। साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भी सख्त कार्रवाई को आवश्यक होगी तो वो भी करे। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट की ओर से करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर नगर पंचायत सभासद ने जिला सत्र न्यायालय पौड़ी गढ़वाल में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें सभासद ने आरोप लगाया था कि स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट में तैनात मैनेजर और कर्मचारियों की ओर से ट्रस्ट की संपत्ति को खुद पर बेचने और ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए धर्मशाला में व्यवसायीकरण किए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि योगा हॉल को किराए पर देकर हजारों रुपए किराया लिया जा रहा है। धर्मशाला को अब 5-स्टार होटल का रूप दिया गया। यहां पर 600 से लेकर 5000 तक का कमरा किराए पर दिया जाता है। प्रतिदिन के हिसाब से और रसीद जो दी जाती है उस पर लिखा जाता है कि दान राशि। सभासद नवीन राणा ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के मैनेजर और कर्मचारियों के द्वारा सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है।
रुद्रप्रयाग के जकोली विकासखंड के अंतर्गत आश्रम खड़ा मखेत की 9 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बीते डेढ़ दशक में भी पूरा नहीं हो सका। दर्जनों गांव को जोड़ने के लिए आश्रम और मखेत के बीच सड़क का निर्माण 2005 से 6 में शुरू हुआ था। इसके बाद जुलाई 2008 में 6 किलोमीटर स्वीकृति मिलने के साथ 3,58,00,000 रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई थी। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से आए राकेश विज द्वारा सेवा की गई। उन्होंने अपने माता पिता के याद में कुंभ क्षेत्र में 3 जगह निःशुल्क लंगर चलाया। राकेश विज हर रोज लंगर में मौजूद रहकर अपने हाथों से श्रद्धालुओं को खाना परोसते हैं, भरपेट भोजन कराते हैं। इसी कड़ी में सप्त ऋषि आश्रम में लंगर का आयोजन किया गया। सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद बैरागी अखाड़ों के लिए हरिद्वार के बैरागी कैंप में अस्थायी निर्माण कार्य जारी है। बैरागी अखाड़ों के संतों ने हरिद्वार में डेरा भी जमा लिया है। बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने आईजी कुंभ संजय गुंजवाल के साथ बैठक कर सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की मांग की। इस दौरान निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर तीनों बैरागी अखाड़ों के साधु संत और कुंभ मेले के सभी अधिकारी मौजूद थे। साधु संतों ने आरोप लगाया कि बैरागी कैंप में सुरक्षा और शिविर, बिजली, पानी और शौचालय समेत कई कार्य अधूरे पड़े हैं। जिन अधिकारियों को बैरागी कैंप में भेजा गया उनके पास संसाधनों की कमी है। ऋषिकेश में गुलदार के कॉफ में लोग जीने को मजबूर। लगातार गुलदार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने डर की वजह से शाम के समय बच्चों का घर से बाहर निकालना बंद कर दिया है। वन अधिकारियों से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ पिंजरा लगाए जाने की मांग की है। आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने 14वें सीजन के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कप्तान बना लिया है। पंत बतौर कप्तान पहली बार टूर्नामेंट खेलेंगे। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होने वाला है। इस बार दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन के पास 600 चौक पूरे करने का मौका होगा। भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने हल्के लक्षण नजर आने पर टेस्ट कराया था। तुर्की दौरे पर गई इंडियन बॉक्सिंग टीम के 8 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी को इस्तांबुल में क्वारंटीन किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने फरवरी महीने में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। एक्ट्रेस प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करने से पीछे नहीं हटी। अब दूसरे बेटे के 1 महीने होने के बाद करीना वापस काम पर लौट गई हैं। दरअसल जब करीना को मुंबई में स्पॉट किया गया तब उन्हें पेपरेजी ने घेर लिया और एक्ट्रेस की फोटो क्लिक करने लगे। इस दौरान करीना पेपरेजी से थोड़ा पीछे हट गई और सभी फोटोग्राफर्स के लिए पोज देने लग गई। बता दें करीना ने पेपरेजी के सामने मास्क उतारने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर आप लोग दूरी बनाए रखेंगे तो ही मैं मास्क उतारूंगी। पेपरेजी ने करीना की बात मानी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपना मास्क उतारा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और उनके बॉयफ्रेंड रोमन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज की वजह से छाए रहते हैं। दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ काफी अच्छी है। बता दें कि कई लोगों ने उन्हें ब्रेकअप का हिंट समझा। सोशल मीडिया पर कमेंट आने लगे हैं कि हो सकता है दोनों का रिलेशन टूट गया है। सुष्मिता ने रोमन के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट किया। दरअसल रोमन ने अपने इंस्टा पर पेड़ों की फोटोज के साथ कुछ लाइनें पोस्ट की थी। उस वक्त उस जगह जहां मुझे लग रहा है कि अकेला हूं, वहां मुझे इस पेड़ का हाथ मिला। इसे अब मैंने कैद कर लिया है और अकेलेपन से रिश्ता गैर कर लिया है। और पोस्ट पर सुष्मिता ने कमेंट किया कि सुष्मिता ने पोस्ट के रिप्लाई में लिखा है, उफ जान बात तो है। साथ ही सुष्मिता ने विंक स्माइली भी दी है।